नमस्कार दोस्तों, भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। जी हाँ, हर दिन की तरह आज भी मैं करंट अफेयर्स से संबंधित 10 MCQ सॉल्व करने जा रहा हूँ। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी समस्याएं आती हो तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। आइए, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के साथ आज का पहला क्वेश्चन का शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए ऑप्शन है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी केरल या फिर डी तमिलनाडु। आपको बताना है कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा और यह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों, इस समय यह चर्चा का मुद्दा इसीलिए बना हुआ है कि एक अमेरिकन व्यक्ति इस द्वीप पे घूमने के लिए जाता है और वहाँ का जो जनजाति होता है वो बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने से अपने आप को वो गिल्टी फील करता है। फलस्वरूप वो उसको वार कर देता है और इसी वार के क्रम में अमेरिकन व्यक्ति जो है वहाँ पर मारा जाता है। इसीलिए चर्चा का इस समय मुद्दा बना हुआ है। और इस संबंध में हम कुछ यहाँ पर बात कर लूँ तो इसके लिए भारत सरकार भी है अंडमान व निकोबार द्वीप मूल जनजाति की सुरक्षा रेगुलेशन 1956 पारित किया था और इसके तहत यह सख्त हिदायत दिया गया है कि वहाँ पे प्रतिबंध बिल्कुल वर्जित है। साथ ही किसी भी प्रकार का तस्वीर लेना, किसी भी प्रकार का व्यक्ति के साथ संपर्क बनाना वहाँ पे जो मूल निवासी हैं
खाना देना या फिर उसका तस्वीर लेना या उसके साथ जाने या फिर रहने की बात करना वो बिल्कुल मना ही है, फिर भी अमेरिकन व्यक्ति वहाँ पे जाता है और फलस्वरूप वो अपने क्षेत्र में प्रवेश को लेकर के वो वहाँ पे उससे मार दिया जाते हैं अमेरिकन व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में रोजगार प्रदान करने के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी कर्नाटक। आपको बताना है कौन सा भारत का वह राज्य है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी और वह आंध्र प्रदेश है। दोस्तों ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है वो कई सारे संस्थान मिलाकर के जारी करता है, जैसे कि वीहॉक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग, भारतीय उद्योग संघ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसको कि AICTE बोला जाता है, संयुक्त रूप से जो है वो इस प्रकार का रिपोर्ट तैयारी करता है और इसको जो है UNDP और AIU यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ भी इस रिपोर्ट में अपनी सहभागी निभाता है। तो कई सारे संस्थानों का ये मिक्सचर है और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें कि इस बार जो है 2019 के रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करता है, भारत के पहले अंतर धर्म अध्ययन संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ए ऑप्शन है यूपी, बी दिल्ली, सी पंजाब या फिर डी हरियाणा। आपको बताना है कि भारत का जो पहला अंतर धर्म अध्ययन संस्थान होगा वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा और ये पंजाब राज्य में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों क्या है तो पंजाब सरकार जो है यहाँ पे मुफ्त ज़मीन मुहैया करवा रही है और यह जो अभी अभी ये गुरु नानक जी का जो 550वीं जयंती है जिसको कि प्रकाश पर्व के रूप में हम भारतवासी मनाते हैं और इसी के अवसर पर जो भारत सरकार है वो भाईचारा और विविधता को बढ़ाने के लिए पंजाब में अंतर धर्म अध्ययन संस्थान स्थापित करने का बात कर रहे हैं और इसके लिए एक कमेटी भी बनाया गया है जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहेंगे और इसके अलावा अरुण जेटली जी और अभी अभी जो आपके संस्कृति मंत्री हैं राज्य संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी इस समिति के सदस्य होंगे और इसके लिए पंजाब सरकार यहाँ पे मुफ्त ज़मीन उपलब्ध करा रही है। मूल मकसद एक ही है, भाईचारा और विविधता को बढ़ाना और इसके लिए अंतर धर्म अध्ययन संस्थान स्थापित किया जा रहा है और यह भारत का पहला ऐसा अंतर धर्म अध्ययन संस्थान होगा जो कि पंजाब में हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, किस भारतीय संघ ने वर्षा के प्रभाव को मॉनिटर करने के लिए इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच नामक तकनीक का विकास किया है? ए ऑप्शन है NGT, बी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सी ऑप्शन है DRDO या फिर डी ऑप्शन है भारतीय वन विभाग। आपको बताना है कि कौन सा भारतीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्षा के प्रभाव को मॉनिटर करने के लिए इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच नामक तकनीक का विकास किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस प्रकार का यानी कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग अप्रोच नामक नवीन तकनीक का विकास किया गया है और इस तकनीक की सहायता से नदियों और जलाशयों में वर्षा के दौरान बढ़े हुए जल स्तर को अनुमान लगाया जा सकता है और इस प्रकार जो अभी केरल में देखे हैं कितना बड़ा तबाही आया था उस प्रकार के हम बाढ़ और जो जल योजन की समस्या है हम उससे निजात पाने में कुछ मदद लिया जा सकता है इस प्रकार के प्रिडिक्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI 2018 में किस फिल्म मेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ए ऑप्शन है प्रकाश झा, बी करण जौहर, सी राम गोपाल वर्मा या फिर डी डैन बोलमैन। आपको बताना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2018 में किस फिल्म मेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा और डैन बोलमैन को
ये मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों ये इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2018 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस वर्ष जो है फोकस देश के रूप में कौन है, तो इसराइल है, जबकि पहली बार कोई स्टेट फोकस स्टेट के रूप में चुना गया है तो वो कौन है, तो वो झारखंड है। आप लोग याद रखिएगा, चूँकि इस साल जो है पहली बार किसी स्टेट को फोकस स्टेट के रूप में सेलेक्ट किया गया है और डैट इज़ झारखंड। सो मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भारतीय अभिनेत्री को एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स 2018 में FIAPF से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, बी ममता कुलकर्णी, सी नंदिता दास या फिर आलिया भट्ट। डी ऑप्शन है। आपको बताना है कि किस भारतीय अभिनेत्री को एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड 2018 में FIAF के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा और नंदिता दास को 19 नवंबर को ब्रिस्बेन में FIAPF यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया और इन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिल्म के लिए उनकी कई सारी जो उपलब्धियां हैं उनको आधार मानते हुए इस प्रकार का सम्मान दिया गया है। जैसे कि इन्होंने कई फिल्म और फिल्म डायरेक्शन दोनों किए हैं, जैसे अर्थ हो गया, फायर हो गया, फिराक हो गया, और भी कई सारे फिल्म का इन्होंने निर्देशन किया है, साथ ही हीरोइन के रूप में भी ये काम किए हैं। तो नंदिता दास को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, पर्वतीय औषधि पर 12वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी नेपिटा या फिर डी सियोल। आपको बताना है पर्वतीय औषधि पर 12वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी और काठमांडू होगा और ये नेपाल में है एक्चुअली। तो इस संबंध में कुछ बात को देख लें तो पर्वतीय औषधि पर 12वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन नेपाल काठमांडू में किया गया और इसकी शुरुआत 21 नवंबर को ही और यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली औषधियों के अनुसंधान कार्य पर इसका मूल फोकस होता है और इस इवेंट का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर माउंटेन मेडिसिन द्वारा किया जाता है। और इसी साल का अगर हम थीम की बात करें तो इसका थीम है हिमालय के हृदय में पर्वतीय औषधि। तो याद रखिएगा, हिमालय के हृदय में पर्वतीय औषधि थीम के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में संदीप माइकल का निधन हो गया, किस खेल से ताल्लुकात रखते थे। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी हॉकी। आपको बताना है संदीप माइकल जी का अभी निधन हो गया है, वो किस खेल से ताल्लुकात रखते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हॉकी और ये संदीप माइकल जी हॉकी खेल खेलते थे और ये जो हैं वो जूनियर हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और उनकी कप्तानी में भारत एशियाई कप में स्वर्ण पदक भी जीत चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल भी वो खेले हैं हॉकी के और इनका अभी अभी 23 नवंबर को बेंगलुरु कर्नाटक में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा संदीप माइकल जी को। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, विश्व COPD दिवस कब मनाया जाता है। ए 21 नवंबर, बी 22 नवंबर, सी 23 नवंबर या फिर डी 24 नवंबर। आपको बताना है कि COPD कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 नवंबर, ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों COPD का पूरा नाम होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और यह दिवस ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज यानी गोल द्वारा मनाया जाता है। और COPD एक फेफड़ा का रोग होता है और इस साल का थीम था नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। याद रखिएगा, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट और 21 नवंबर COPD दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीती है। ए ऑप्शन है कविता चहल, बी सीमा पुनिया, डी सरजू वाला देवी या फिर डी MC मैरी कॉम। आपको बताना है कि कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज जो है अभी अभी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है।
इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एमसी मेरी कॉम अभी अभी दिल्ली में ही संपन्न हुआ है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता भी चुका था एमसी मेरी कॉम के बारे में। कुल मिला के इन्होंने जो है वो 6 स्वर्ण पदक जीती है, जबकि कुल पदकों की संख्या करें तो ये 7 पदक जीती है, 7 मैच खेली है, 7 पदक जीती है। सो बहुत ही बड़ा बात है अपने आप में। और नई दिल्ली में अभी महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया था, जिसमें इन्होंने 6वां स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। और पहली बार 2001 में इन्होंने जो है रजत पदक जीती थी। तो कुल मिला के ये 6 स्वर्ण और 1 रजत, कुल 7 पदक जीतने में अपनी सफलता यहाँ पे दिखाई है। और ये थी मैरी कॉम। इसी के साथ आज का मैं 10 का 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। आप भी इसको देखिए और बने रहिए भामतो एजुकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।